ये वो पिक्चर चलती नहीं है, हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट। और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का भाग किसके तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। सलमान आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही पोलाइटली और फॉर्मली बता रहे हैं बिकॉज मुझे उन्होंने अपने यूनिक अंदाज में यही स्टोरी सुनाई थी। तो 21 तारीख को रिलीज हो रही है किसी का भाई किसी की जान, ये मटेरियल रख लेना भाई शायद काम आए। फिल्मफेयर के फंक्शन में बड़ा बड़ा बोल रहा था कि कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने क्या बनाया है। ट्रूथ इज हमने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर के ऊपर और हर एक कोई करता है, लेकिन अब जैसे कि ये कुछ पिक्चरें चली हैं अब जाके वापस से, क्योंकि वो हमारी हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जो पिक्चर चली है वो हमारा कंटेंट है, वो हमारी वो 30-40 लोग फैमिली के देखने जाते हैं वो फिल्में। एक ऐसी फिल्म जो कि इतना पैसा खर्च करो और फिर उसके अंदर एक इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता तो वो नहीं चलती। और आजकल टिकट प्राइसेस भी इतनी महंगी हो गई हैं कि यू वॉन्ट टू गो एंड सी लाइक अ बिग लार्ज फेस्टिव फिल्म जिसमें इमोशन हो, ड्रामा हो, गाने अच्छे हो। बाय द वे किसी का भाई किसी की जान के गाने सुने आपने, है ना अब ट्रेलर भी आएगा, हाँ उसके बाद 21 तारीख को फिल्म भी आएगी। तो बेसिकली अब कब है फिल्म फेयर? 27 को। तो 21 को किसी का भाई किसी की जान रिलीज है, 24 को मैं कुछ और कर रहा हूँ, 27 को ये है फिल्म फेयर। तो आप सब वहीं पर मिलोगे मुझे, और जिस अंदाज से अभी ये होस्ट किया है वैसे ही फिल्म फेयर भी होस्ट होगा। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। बस और कुछ किसी को पूछना है? I'm opening the floor. मुझे भी ये फीलिंग आ रही है अंदरूनी। वो तो कमाल ही था, हमारे पूरे टीम ने हमको रोका गया कि नहीं लगदा दिल, ये गाना डालना नहीं, 80s का गाना है, आउटडेटेड गाना है, वही गाना सबसे बड़ा हिट हो गया। Yeah, I love it.